तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जिनके पास एक से ज्यादा सर हैं, और साथ ही में पोकेमोन जर्नीज के बारे में भी हम बात करेंगे। पोकेमोन जर्नीज के आगे आने वाले एपिसोड्स की समरी आ गई है और उनमें क्या होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके सो गाइस नंबर 5 पे आता है वेनेलिक्स। बेसिकली ये बनाना जैसा दिखता है और इसके पास दो सर हैं जो कि आइसक्रीम जैसे हैं। खाने का मत सोचना तुम, ठीक है ना। और साथ ही में वेनेलिक्स हमें जनरेशन 5 में देखने के लिए मिला था, और इसके पास दो सर हैं जो कि दोनों ही अपने हिसाब से काम करते हैं, और इसे देखने से ही पता चल जाता है ये एक आइस टाइप पोकेमोन है। और ऐसे ही दो मुंह वाले पोकेमोन बहुत सारे हैं, जैसे कि ज़ुएलियस, इसके पास भी दो सर हैं, और साथ ही में विजिंग के पास भी दो सर हैं, और विजिंग के गैलारियन फॉर्म के पास भी दो सर हैं। और तुमने जिराफरिंग को तो देखा होगा, उसकी पूंछ और एक उसका सर, इसके पास भी दो सर हैं। और आखिर में आता है स्लोब्रो जिसके पास भी दो सर हैं। सो गाइस नंबर 4 पे आता है हाई ड्रैगन। बेसिकली ये एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जो कि हमें जनरेशन 5 में देखने के लिए मिला था, और साथ ही में इसके पास तीन सर हैं। तीनों में से जो तुम्हें दो दिख रहे होंगे ना, वो उसके हाथ हैं जो कि हाथों का ही काम करते हैं, बट इसका माइंड जो कि सारा कम्युनिकेशन कर लेता है। और ये ड्रैगन टाइप है तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, हालांकि मुझे इसकी डिजाइन सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। और ये ड्रैगन टाइप है तो ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। अरे रुको, तुम्हें नहीं पता होगा, मुझे पता है, इसके जैसे और भी तीन सर वाले हैं। एक है डक्ट्रियो। अब तुम देख सकते हो इन दोनों के पास तीन सर हैं, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट इसके अलोलन फॉर्म में इसके पास बाल आ जाते हैं। हाँ ना, डिस्को टाइम। गाइज अगला पोकेमोन है डॉड्रियो। अब इसके पास तीन मुंह हैं और इसके तीनों के अलग रिएक्शन होते हैं, और साथ में मैग्नेटॉन के पास भी तीन सर हैं, और इन्हीं के साथ सबका फेवरेट पोकेमोन एक्सेक्यूटर, इसके पास भी तीन सर है। भाई तीनों के रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मतलब भाई बहुत सही है। तुमने नोटिस किया कुछ ज्यादा ही नहीं हो गए तीन सर वाले पोकेमोन। तो गाइज नंबर 3 पे आता है एक्सेक्यूटर। भाई ये अलोलन वाला है जो कि नारियल के जैसा बहुत ही ज्यादा लंबा है। नॉर्मल वाला तो इसके पैरों तक भी नहीं आता अच्छे से, और ये अमिताभ बच्चन जी से भी ज्यादा लंबा है, देखो भाई। और इसके पास तीन नहीं चार सर हैं। अरे भाई हमको तो तीन ही दिख रहे हैं। भाई इसकी पूंछ पे देखा तुमने? हाँ, पीछे वो नारियल लटक रहा है ना, हाँ वही वाला। बेसिकली ये अलोला रीजन का है तो फनी तो होना ही है, और ये तुम्हें ज्यादातर अलोला रीजन में ही देखने के लिए मिलेगा। और इसका फर्स्ट फॉर्म एक्सिक्यूट, जिसमें 6 सर होते हैं, और ये 6 अंडे होते हैं जो कि साथ में रहते हैं। और एक्सिक्यूट हमें कैंटो रीजन में देखने के लिए मिले थे, और इन 6 के पास अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है, और साइकिक बॉन्ड की वजह से ज्यादातर ये एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं। सो गाइज नंबर 2 पे आती है कॉम्बी। हाँ ये मधुमक्खी जैसे दिखने वाली पोकेमोन। बेसिकली होते तो इसके 3 सर हैं। अगर ये पोकेमोन चाहे तो अपने 100 सर या फिर 1000 सर भी बना सकती है एक दूसरे को कंबाइन करके। इसकी मदद से ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है, और ऐसा ही कुछ इन्होंने एनिमे में भी किया है, तो ये काफी ज्यादा अजीब लगता है। अगर इसे वाइल्ड एरिया में पकड़ने जा रहे हो तो ध्यान से जाना, क्या पता सारे मिलकर तुम्हें वहां से भगा दे। अच्छा है यहां पर बीट रेल नहीं है, नहीं तो भाई बिना कपड़े क्या हाल होता उस बच्चे का जो वहां जाता। ओके कुछ ज्यादा ही हो गया, नहीं बहुत ज्यादा हो गया। सो गाइस नंबर 1 पे जो पोकेमोन आता है वो है स्पिरिटूम। अब इसके पास 108 सर हैं। अरे भाई बता कैसे कैसे, हमें तो एक दिख रहा है। हाँ मुझे पता है तुम्हें एक दिख रहा होगा, पर इसमें 108 आत्माएं हैं, मतलब 108 लोगों की आत्मा जो कि स्पिरिटूम के अंदर है। और ये बहुत ज्यादा क्रीपी और हॉरर भी है, और इसे देखने से ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर इतनी आत्माएं होंगी, बट पहले के जमाने में ये लोगों को परेशान कर उनकी आत्मा ले लेता था। हालांकि इसकी बॉडी को देखकर ऐसा नहीं लगता, पर ऐसा ही है। तो गाइज यही थे वो पोकेमोन जिनके पास एक से ज्यादा सर हैं। सो गाइज वीडियो कैसी लगी बताना मुझे कमेंट्स में। सो गाइज अब बात करते हैं हम पोकेमोन जर्नीज के बारे में, लेट्स गो। अरे मुझे पता है तुम्हें अपडेट जानने की बहुत ज्यादा खुशी है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। अरे डूबो मत, पता है मुझे, मैं बता रहा हूँ रुको। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ पोकेमोन जर्नीज का एपिसोड 74 और 75। और फाइनली इन एपिसोड की समरी आ चुकी है, हालांकि मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना सकता था पर वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाती, तो मैंने सोचा इसमें मिक्स कर देते हैं। सो गाइज एपिसोड में क्या होता है, कुआरू के वेकेशन होते हैं, तो ये सीनो रीजन में आती है अपने वेकेशन एंजॉय करने के लिए। हालांकि हमें कभी वेकेशन नहीं मिलते, इन सभी को मिलते हैं। और इसके पास इसका ईवी भी होता है जो कि एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है, जहां पर डॉन भी हिस्सा ले रही है अपने पोकेमोन के साथ। शायद से इसके पास इसका पिपलॉप होगा,
बाद में इसे पता चलता है कि वहाँ ऐश और गो भी आए हैं। बाद में गो और कुहारू को पता चलता है डॉन ऐश के साथ डायमंड एंड पर्ल में रह चुकी है। अब डॉन और कुहारू की टीम और एक तरफ ऐश और गो की टीम। ऐश, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, तुम डॉन के साथ रह सकते हो, सरीना याद है ना तुम्हें। एनीवेज गाइस, बाद में इन्हें पता चलता है वहाँ पर कोई डार्क राय है जो कि लोगों को बुरे सपने दिखा रहा है, और वहीं पर दूसरी तरफ क्रिसिलिया जो कि अच्छे सपने दिखाती है। अब इसे चोट आई है और ये कहीं फॉरेस्ट में चली गई, तो ये भी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए इन लोगों ने सोचा ये दो ग्रुप बनाएंगे जिसमें एक बॉयज ग्रुप और एक गर्ल्स ग्रुप होगा, और दोनों मिलकर डार्क राय को रोकेंगे। अब पता नहीं और क्या क्या होने वाला है इस एपिसोड में, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा इसे देखने में। अब मुझे ये मत बोलना डार्क राय और क्रिसिलिया को तो गोई पकड़ेगा। हाँ पक्का वही पकड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐश भी पकड़ सकता है, बट इसके चांस बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर, शायद इसे कोई भी ना पकड़े। तो गाइज एपिसोड में बहुत मजा आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पे जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, आज तो मैं पोके क्विज भी लाया हूँ, ये कौन सा पोकेमोन है बताओ मुझे कमेंट्स में, सो जल्दी से जाके बता दो। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।